हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम कटरा से पटनी टॉप जाएंगे और कटरा से पटनी टॉप की दूरी 84 किलोमीटर है, 84। इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं कटरा से करीब 15 किलोमीटर आगे बढ़ चुका हूँ। ये जगह टिकरी गांव है और यहाँ पर एक मंदिर है काली माता का, जो कि काफ़ी बढ़िया मंदिर है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, क्योंकि ये मेन रोड से बिल्कुल सटा हुआ है। तो ये नेशनल हाईवे 44 है और सामने यहाँ पर ये है काली माता का मंदिर। ये टिकरी गांव में है, टिकरी मंथल कहते हैं इसे। जय माता दी। तो ये मेन रोड पर मंदिर है काली माता का, जहां हमने दर्शन किए, और यहां से नीचे मुख्य मंदिर है। जो लोग नीचे नहीं जाते हैं वो ऊपर से दर्शन करके जाते हैं आगे, बाकी मुख्य मंदिर नीचे है और काफ़ी सुंदर बना हुआ है, देखो आप। तो मंदिर में चलते हैं। तो हम मंदिर में आ गए हैं और सामने हमारे काली माता की मूर्ति है, और यहाँ पर जो आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ पर माता की पिंडी है इस जगह पर। देखने में ऐसा लगता है जैसे गुफा है, लेकिन ये आर्टिफिशियल गुफा बनी हुई है। काली माता मंदिर के पास में शिव जी का भी मंदिर है, हनुमान जी भी है यहाँ पर, ये गणेश जी का मंदिर है। तो बहुत ही बढ़िया मंदिर बना हुआ है और बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, और एकदम शांति है। तो बहुत अच्छी जगह लगी मुझे ये, और अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं पटनी टॉप के लिए। मैंने कटरा से पटनी टॉप जाने के लिए टैक्सी हायर की है, जो पिछली बार मैंने शिवखोड़ी के लिए की थी। और कटरा से पटनी टॉप 84 किलोमीटर है, और वहाँ से फिर हमें और थोड़ा आगे जाना है, थोड़ा और भी घूमना है, तो करीब करीब 200 किलोमीटर हो जाता है पूरा राउंड जर्नी का, कटरा टू पटनी टॉप टू कटरा। तो ये टैक्सी मैंने 3,000 रुपये में बुक की है, एक दिन का जो किराया है इसका वो 3,000 रुपये है। तो हम पटनी टॉप पहुंच गए हैं और अभी इस वक्त 11 बज रहे हैं। तो कटरा से यहाँ पर आने में मुझे लगभग 2.5 घंटे का समय लगा, और 84 किलोमीटर है मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर पटनी टॉप गंडोला है, जो कि लगभग 2.8 किलोमीटर लंबा है, और कहते हैं कि ये हाईएस्ट गंडोला है एशिया का। यहाँ पर कई सारी एडवेंचर एक्टिविटी भी होती है गंडोला के साथ, हम वो भी बुक कर सकते हैं। तो ये पीछे गंडोला स्टेशन का मेन गेट है, और आगे इस तरफ में स्टेशन है गंडोला का, तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये स्काई व्यू पटनी टॉप गंडोला है, रोप वे एंट्री यहाँ से होती है और यहाँ से ये गंडोला स्टार्ट होता है। रोप वे के कर्मचारी मेरे साथ में, उनसे पूछते हैं इसके बारे में, थोड़ा जानकारी लेते हैं। सो वेलकम टू स्काई व्यू वर्ल्ड। तो ये हमारा स्काई व्यू टेरिस है, यहाँ से हम रोप वे की टिकट आपको प्रोवाइड कराएंगे यहाँ से। तो आप यहाँ पे उस टाइम पे, एंड देन आफ्टर ये नीचे जाएंगे तो हमारा पूरा स्काई व्यू वर्ल्ड है, जहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ करने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें जिप लाइन मिल जाएगी आपको, जिप लाइन है, ट्यूबिंग है, मैजिक कारपेट, माउंटेन बाइकिंग, ATV राइड्स, एंड देन आफ्टर नीचे हमारा रेस्टोरेंट है, कैफे है, रिजॉर्ट, जो मेन साइड है हमारी नीचे ही है। यहाँ से आप रोवे की टिकट लेके जाएंगे, जिसका चार्ज रहेगा 1154 पर हेड, मॉर्निंग में 10 o'clock इसका ऑपरेशन टाइम है, एंड 5:30 क्लोजिंग टाइम रहता है। तो इन बिटवीन आप कभी भी उसमें आ जा सकते हो। एशियाज लॉन्गेस्ट zigzag जिप लाइन हमारे पास, एंड देन आफ्टर ये जो हमारा रोवे, ये इंडियाज हाईएस्ट रोवे है, ग्राउंड क्लियरेंस से 65 मीटर अबव है ग्राउंड लेवल से। तो ये इंडियाज हाईएस्ट रोवे है, जिसकी टोटल लेंथ है 2.8 किलोमीटर, तो राउंड ट्रिप में 6 किलोमीटर ये आपका अप एंड डाउन हो जाएगा। तो प्राइस की बात करें तो जो वन वे का हम यहाँ से आप चार्ज पे करेंगे विद टैक्सीज, आपको पड़ेगा 997 पर हेड, एंड देन आफ्टर राउंड ट्रिप लेते हो तो 1154 पर हेड अप एंड डाउन,
एंड जैसे आप नीचे जाएंगे तो एक्टिविटीज़ का अलग अलग चार्ज है, तो जिप लाइन का जैसे चार्ज रहता है वो विद टैक्सेस 943 रहेगा, ट्यूबिंग का 825 एंड मैजिक कारपेट है वहाँ पे 471 उसका चार्ज रहता है। हमारे पास तीन कैटेगरी के रूम्स रहते हैं यहाँ पे, डिलक्स है, प्रीमियम एंड स्वीट रूम है। तो डिलक्स कैटेगरी राउंड अबाउट 8000 से हमारा स्टार्टअप होता है एंड उसमें आपका रोवे इंक्लूड रहेगा एंड मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट उसमें एडिड रहता है एंड कुछ एक्टिविटीज़ में उसमें 25% डिस्काउंट आ जाएगा। अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है तो अभी यहाँ पर मौसम नॉर्मल है, लेकिन नवंबर के बाद यहाँ पर स्नो गिरना स्टार्ट हो जाती है तो उस समय काफ़ी मज़ा आता है। तो अगर मैं नवंबर के बाद आता तो ज़रूर गंडोला में जाता और एक्टिविटी भी करता, लेकिन अभी मौसम नॉर्मल है तो इतना कुछ खास व्यू नहीं दिखेगा। अगर आपको एडवेंचर करना है तो आप कभी भी जा सकते हो। तो ये स्काई व्यू रोपवे था, अभी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर वैसे कई सारे होटल रिसोर्ट आपको मिल जाते हैं स्टे के लिए, 1000 रुपये से रूम स्टार्ट होते हैं और 10000 तक की रेंज तक जाते हैं। तो आपको जैसा चाहिए अपने बजट में सूट होता है आप यहाँ पर रूम स्टे ले सकते हो। तो मैं रोपवे स्टेशन से करीब 400 मीटर आगे आया हूँ और यहाँ पर कई सारे स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के, तो मुझे भी थोड़ी भूख लग रही है तो सुबह का ब्रेकफास्ट बाकी है तो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और आज हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे कलाड़ी। कलाड़ी जो है वो जम्मू की लोकल डिश है और कहते हैं काफ़ी बढ़िया लगता है, चीज़ जैसा कुछ फ्लेवर होता है। तो टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। क्या होता है कलाड़ी थोड़ा मुझे बताइए। कलाड़ी होता है सर दूध का, इसको फ्राई करेंगे सैंडविच बना के देंगे। जम्मू एंड कश्मीर का लोकल डिश है, इधर का फेमस चीज़ है, दूध का बना होता है, वेज होता है, टमाटर प्याज मिर्ची वगैरह डाल के ब्रेड के अंदर स्टफिंग करके देते हैं। अच्छा जी सर। तो ये कलाड़ी है, ये आप जो देख रहे हो वैसे देखने में पनीर जैसा है लेकिन इन्होंने बताया कि इसका टेस्ट कुछ कुछ चीज़ जैसा होता है। तो हमारी कलाड़ी तैयार है, खाके देखते हैं। तो जहाँ पर हमने नाश्ता किया वहीं पर पास में एक टेंपल है जिसे नाग टेंपल कहते हैं और ये टेंपल बहुत ही प्रसिद्ध टेंपल है। तो नाग टेंपल जाते समय कई सारी दुकान है, रास्ते में हैंडीक्राफ्ट मिलता है बहुत बढ़िया यहाँ पर। इच्छाधारी नाग देवता जी का मंदिर है जी, जहाँ पे जी इच्छाधारी नाग देवता ब्रह्मचारी रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए जहाँ पे औरतें जो हैं वो अंदर नहीं जाते हैं मंदिर के अंदर, बाहर से दर्शन कर सकते हैं वो अंदर नहीं जाते हैं। इच्छाधारी नाग देवता जहाँ पे ब्रह्मचारी रूप में तपस्या करिए शेषनाग जी की 22 साल, उसके बाद ये पिंड रूप ले लिया है और ये 800 साल पुराना है, ये लकड़ी का स्ट्रक्चर जितना भी ये 800 साल से ही है। और जहाँ पे सबकी विश पूरी होती है उसके बाद सभी दर्शन के लिए आते हैं। ये रेड कलर की जो आप देख रहे हैं ना बांधी हुई चुनरी है, ये विश के लिए बांधी जाती है, उसके बाद जब विश कम्प्लीट हो जाए फिर आके कोई भी एक पट्टी खोल देनी है। दूसरी चीज़ ये कि इस मंदिर का फोटो लेना इसलिए अलो नहीं है कि उनके घर पर नाग निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, साफ इसलिए अलो नहीं है। नाग देवता जी और बाबा गवा जी एक हैं, इनका गवाही नाम इसलिए डाला गया कि एज ए विटनेस जैसे आप विश रखते हैं कोई इनके पास तो उस चीज़ की गवाही रखते हैं, उसके बाद ये ही कंप्लीट करते हैं उस चीज़ की जो आप विश रखते हैं उसकी गवाही रखते हैं, इसलिए इनका नाम गवाही है जी। ठीक है, तो मैं मंदिर में दर्शन करके आया, अंदर एक पिंडी है नाग देवता की, शिवलिंग तरह का आकार है और करीब 8 या 7 इंच की पिंडी होगी। तो अंदर फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, इन्होंने बताया कि अगर हम अंदर फ़ोटो वीडियो लेते हैं या कोई भक्त यहाँ से फ़ोटो ले जाता है तो उन्हें सपने में नाग देवता आने शुरू हो जाते हैं तो तकलीफ़ हो जाती है। तो हमने अंदर फ़ोटो नहीं लिया है लेकिन मैंने आपको बता दिया। ये नाग देवता टेम्पल से व्यू है, नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। तो हम नाग टेम्पल से करीब 600 मीटर आगे आए हैं और यहाँ पर एक पार्क है जिसे ग्रीन पार्क कहा जाता है। ये पटनी टॉप का वन ऑफ द फेमस पार्क है। ग्रीन पार्क में यहाँ पर ये सारे हट बने हुए हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं और लगभग एक नाइट का 5500 रुपये इसका रेंट है। और इसका बुकिंग आप JKTDC की वेबसाइट से कर सकते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कर सकते हो यहाँ पर आके।
तो यहाँ से हम ट्रैकिंग करके आगे भी जा सकते हैं। तो ये सारे ट्रैक है जो कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ग्रीन गार्डन के पास में 5 पॉइंट है जहाँ पर घोड़े वाले हमें लेकर जाते हैं, और करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, आना जाना मिलाकर 3 किलोमीटर होता है। तो घोड़े वाले करीब 700 रुपये लेते हैं, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो 400-500 रुपये में भी आपको लेके जाएंगे। घोड़े वाले हमें जहाँ ले जाते हैं वहाँ पर कुछ व्यू पॉइंट है, और उसके अलावा एक एप्पल गार्डन बना हुआ है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी एप्पल का सीज़न नहीं है। बिल्कुल खाली हमें मिलेगा और ना कोई फूल पौधे वहाँ मिलेंगे हमें। उधर जाना हो तो सबसे बेस्ट टाइम है नवंबर से फरवरी, जो मैंने आपको बताया। हमें वैसे पटनीटॉप विंटर सीजन में आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम माता वैष्णो देवी की यात्रा अभी कर रहे हैं तो हमने इसी समय में पटनीटॉप को चुना है। तो ये ग्रीन पार्क है, देख लो आप, अभी पूरा सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम सर्दियों के मौसम में आते हैं तो यहाँ पर पूरी बर्फ़ होती है। तो हम थोड़ा आगे की तरफ आए हैं और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पाइन ट्री है, देखो आप। तो यहाँ पर ये जिप लाइन है और इसका चार्ज 500 रुपये है, 500। तो अभी हम आ गए हैं VIP पार्क पर। ये पार्क ग्रीन पार्क से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है और 5 मिनट लगता है हमें यहाँ पहुँचने में। तो यहाँ पर एक फ्रूट है और देखने में मुझे लगा ये कच्चे टमाटर है, लेकिन आकार सेब जितना बड़ा है इसका। भैया क्या बोलते हैं इसे? इसे राम फल बोलते हैं, जापानी फल बोलते हैं सर। अच्छा, तो भाई ने बताया इसे राम फल कहते हैं और जापानी फ्रूट भी कहते हैं, और मनाली में भी काफ़ी मिलता है ये, तो टेस्ट करते हैं। मैंने मनाली में तो खाया नहीं था, भूल गया, शायद दिखा नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे एप्पल को मीठा कर दिया, उस टाइप का टेस्ट है इसका, बढ़िया है। अभी थोड़ा ये फ्रेश लाया हमने, जैसे ये पूरा पक जाता है ना आम की तरह हो जाता है सर। अच्छा, आम जैसा हो जाता है? जाता है, हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल आम की तरह हो जाता है बस। तो क्या रेट बिकता है ये? हम तो 100 भी दे देते हैं ऐसे, 150 रेट इसका दिल्ली। अच्छा। बॉम्बे में इसका बहुत रेट है, दिल्ली में आपको ये 350 मिलेगा। अच्छा, 350 रुपये किलो दिल्ली में। और ये उगता कहाँ है, होता कहाँ पर? ये यहाँ पे लोकल भी होता है, पहाड़ों में होता है। पहाड़ों पे होता है। अच्छा, ठीक है भैया, धन्यवाद। नहीं भैया, पेट खराब है थोड़ा। तो ये VIP पार्क है, ग्रीन पार्क की तरह ही है। सामने सारे हट बने हुए हैं JKTDC के, और ये मेडो है, घास का मैदान है, इसी तरह का है जैसा हमने ग्रीन पार्क देखा था। और यहाँ पर भी घोड़े वगैरह मिल जाते हैं आपको, अगर आसपास में कहीं सैर करनी हो तो घोड़े की कर सकते हो। तो ये दोनों यहाँ के फेमस पार्क थे, ग्रीन पार्क और VIP पार्क। ग्रीन पार्क में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी है और आपको घूमने के लिए अंदर वैली वगैरह भी है, तो वो ज़्यादा बेटर है। और ये जो VIP पार्क है, यहाँ पर सिर्फ एक पार्क बना हुआ है, एक मैडो है, घास का मैदान है छोटा सा, तो ये भी अच्छा है वैसे, छोटा सा सुंदर है। तो दोनों पार्क हमने देखे, अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम जाएंगे नत्था टॉप पर, जो कि सबसे हाइट पर है। तो हम नत्था टॉप पहुंच गए हैं, और पटनी टॉप से यहाँ आने में करीब आधा घंटा लगा हमें, 25 से 30 मिनट आराम से घूमते घूमते आए, और काफ़ी बढ़िया रोड था, और लगभग 13 से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है पटनी टॉप से नत्था टॉप का। तो हम करीब 200 मीटर आगे बढ़े हैं,
और हमें अभी वहाँ जाना है जो टावर दिख रहा है वहाँ पर, और यहाँ से भी नीचे का नज़ारा बहुत बढ़िया दिख रहा है। देखो आप, बीच बीच में इस तरह से मैगी पॉइंट बने हुए हैं। भाई साहब, नत्था टॉप में नत्था क्या है, मतलब कुछ इसके पीछे कहानी है क्या? यहाँ पे पहले नाथ रहते थे, ऊपर शिव जी का मंदिर है। अच्छा, उसी वजह से यहाँ का नत्था टॉप है। अच्छा जी सर, बिल्कुल। तो नत्था टॉप का नाम कैसे पड़ा वो आपने सुना, यहाँ पर शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर कहते हैं नाथ रहते थे, तो उन्हीं के नाम पर नत्था टॉप यहाँ का नाम पड़ गया इस जगह का। नीचे जो आपको दिख रहा है वो पटनी टॉप है, वहीं से हम आए हैं घूमते हुए। करीब 13 किलोमीटर का ये सफ़र है पटनी टॉप से नत्था टॉप का, और इस तरह से ये पूरा रोड है और वहाँ पर सारी गाड़ी खड़ी रहती है, उसके बाद में हमें पैदल यहाँ पर आना होता है। तो सामने आपको कुछ टावर दिख रहे होंगे, तो ये इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के टावर है, यहाँ पर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का बेस है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ड्रोन फ्लाई नहीं करेंगे। पटनी टॉप की हाइट समुद्र तल से करीब 6300 या 400 फीट है और नत्था टॉप की हाइट समुद्र तल से 8800 फीट है, तो पटनी टॉप से करीब ये 2000 फीट ऊपर है, तो काफ़ी हाइट पर है ये। तो हम नत्था टॉप पर पहुंच गए हैं और हमारे देश का तिरंगा शान से लहरा रहा है, देखो आप। और इस तरफ में CRPF का बेस है, रडार वगैरह लगे हुए हैं, देखो आप, टावर लगा हुआ है। और सबसे ऊपर है इस वक्त हम, जो नत्था टॉप का जो सबसे ऊपर का भाग है वहाँ पर है हम। तो ये प्राचीन शिव मंदिर है, बिल्कुल सिंपल सा सामान्य सा मंदिर है ये। शिव मंदिर के दर्शन हमने किए और ये नत्था टॉप का सबसे टॉप का पॉइंट है, मैंने आपको बताया, और यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है हमें। एक पहाड़ के पीछे दूसरा पहाड़, उसके पीछे तीसरा पहाड़, दूर तक दिखता है हमें। अभी इतनी धूप है, दोपहर का समय है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हल्की हल्की ठंड है। बाकी जब ज़्यादा बर्फबारी होती है तो यहाँ पर रास्ते भी कई बार बंद हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा बर्फ होती है यहाँ पर सर्दियों में। तो नत्था टॉप हमने देख लिया, अभी हम यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये जगह है सनासर, जो नत्था टॉप हमने देखा था वहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर हम आगे आते हैं तब ये जगह आती है। और ये एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सनासर, यहाँ पर नीचे वैली है तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर छोटा सा लेक है और मेडो है। पटनी टॉप से सनासर करीब 20 किलोमीटर है और नत्था टॉप से करीब 7 से 8 किलोमीटर है, लेकिन 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र करने में हमें कम से कम 1.25 घंटा लग गया, क्योंकि काफ़ी ख़राब रोड है, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है रोड की। अभी दोपहर के लगभग 3 बज चुके हैं तो थोड़ी भूख भी लग रही है, तो पहले यहाँ पर कुछ खा लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे सनासर को एक्सप्लोर करने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। तो मैंने यहाँ पर वेज थाली ऑर्डर की है जो कि 160 की है, 160 की। इसमें राजमा है और ये काली दाल है, राइस है और ये पनीर भुर्जी की सब्ज़ी है और ये तवा चपाती है। अच्छा है, डिसेंट टेस्ट है, और काली दाल बढ़िया है, राजमा टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सब्जी टेस्ट करके देखते हैं, पनीर भुर्जी की सब्जी दी है इन्होंने। ठीक है, खाना फिनिश कर लिया है, कुछ खाना बच गया था तो डॉगी को दे दिया है। पिछले 2-3 दिनों से मेरा पेट कुछ गड़बड़ चल रहा है इस ट्रिप में, तो इसी वजह से लगभग 2 दिन से तो मैंने खाना नहीं खाया,
और आज मैंने कहीं जाकर थाली ऑर्डर की थी और वो भी मैं पूरी नहीं खा पाया, तो मैंने डॉगी को दे दिया है जो बचा था खाना वो। तो हम लोग उस गेट से नीचे की तरफ आए हैं और यहाँ से अभी हमें नीचे की तरफ जाना है। करीब 500 मीटर नीचे जाते हैं बस स्टैंड से, तब लेक आता है नीचे का। ये देखो आप, ये जगह है और बहुत ही प्यारी और सुंदर जगह है। तो ये नीचे का लेक मैंने आपको बताया, और यहाँ पर अगर आपको घूमना है तो घोड़े भी मिल जाते हैं, और अगर आप घोड़े से ये पूरा घूमना चाहते हो तो करीब आपको 400 रुपये देने होंगे, और अगर आप बार्गेनिंग करवा सकते हो तो आपको घोड़े वाले 250-300 में भी लेके जाते हैं, और वो आपको जितना ही आपको मेडो दिख रहा पूरा एंड पॉइंट वहाँ से लगा के और पीछे से लगा के इस तरफ तक घुमाते हैं। तो मैं वहाँ से ऊपर से घूमते हुए इस तरफ से नीचे आया हूँ, और ये मेडो है, देखो आप, सुंदर घास का मैदान और काफ़ी सारे घोड़े हैं यहाँ पर इस वक्त, और ये लेक है जो मैंने आपको ऊपर से बताया था। क्या लेकर आए हो? आटा। आटा? हाँ। अच्छा, मछलियों के लिए? हाँ। कितने का देते हो? 10 का 1 देते हो? लाओ दे दो एक। अरे तूने पहले दे दिया, तूने भी दे दिया, तूने भी तीनों ने दे दिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो अच्छा हुआ बच्चा मुझे आटा दे गया। तो मछलियों को खाना खिला दिया, मज़ा आ गया, बहुत सारी मछलियाँ थी यहाँ पर। तो यहाँ पर बोटिंग भी होती है, तो बोटिंग का पता करते हैं क्या चार्ज लेते हैं ये लोग। यहाँ पर एक बोट वाले भाई साहब दिख रहे हैं हमें, इनसे पूछते हैं, भैया क्या चार्ज लगता है इधर बोटिंग का? 600 रुपये। और कितनी देर का होता है? आधा घंटा। तो बोटिंग का रेट 600 रुपये है, आधा घंटे की बोटिंग होती है और 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं, तो सही रेट है, और लेक भी बहुत सुंदर है, तो इसमें बोटिंग करने का अपना मज़ा है। लेकिन अभी लगभग शाम के 5:30 बज चुके हैं और हमें यहाँ से आगे निकलना है, और हमें यहाँ से कटरा पहुँचने में 3 घंटे लगेंगे, तो हम बोटिंग नहीं कर रहे हैं। ऊपर वहाँ पर हट बने हुए हैं जो कि JKTDC के हैं। यहाँ पर स्टे के भी कई सारे ऑप्शन हैं, 500 से लगा के 3000 की रेंज में आपको यहाँ पर होटल मिल जाती है, जैसा आपका बजट हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं मई और जून के महीने में, जब वैकेशन का समय होता है, स्कूलों में जब वैकेशन होती है तब यहाँ पर भीड़ होती है। बाकी सर्दियों में यहाँ पर काफ़ी कम लोग आते हैं, नहीं के बराबर, क्योंकि ये जो रास्ता है जो मैंने आपको बताया, ये नत्था टॉप वाला, ये बंद हो जाता है बर्फ़ गिरने की वजह से, तो खाली आर्मी की कुछ ट्रक्स वगैरह यहाँ पर चलती है। उसके बाद जब बर्फ़ कम हो जाती है तब यहाँ पर रोड क्लियर करने के बाद टूरिस्ट आना शुरू होते हैं। बाकी यहाँ पर ये जिप लाइन भी है यहाँ से लगा के, और पूरा लेक क्रॉस करके सामने आपको ड्रॉप करती है, तो इसका चार्ज 500 रुपये है, 500 रुपीज़ पर पर्सन। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी से अंधेरा होने लगा है, क्योंकि ये जगह एकदम नीचे है, वैली में है, और चारों तरफ इसके पहाड़ है, तो यहाँ पर जल्दी से अंधेरा हो जाता है, और हमें यहाँ से निकलना भी है। यहाँ से हमें कटरा जाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, तो 9 बज जाएंगे हमें वहाँ पहुँचते। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने देखा पटनी टॉप और उसके पास में नत्था टॉप और ये सनासर लेक। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार, आ जाओ।